उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम सरकार के आदेशों के क्रम में दूसरे राज्य से बसों के द्वारा प्रवासी लोगों के लाने व ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए है, तो वहीं उनके चालक और परिचालक अपनी जान हथेली पर रखकर प्रवासियों को वापस लेकर आ रहे हैं। ऐसे में अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए काशीपुर डिपो के सभी चालक और परिचालकों ने अपनी स्वास्थ्य परीक्षण की मांग की है। आपको बताते चले कि काशीपुर डिपो से 20 चालक और परिचालक 10 बच्चे लेकर प्रवासियों को वापस लाने के लिए गुरुग्राम के लिए रवाना हुए थे। वापस आने पर हल्द्वानी में एक युवती के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उक्त बस के चालक और परिचालक के सैंपलिंग के बाद आइसोलेट करने के बाद अब काशीपुर डिपो के चालकों और परिचालकों ने गुरुग्राम से लौटकर वापस आने वाले सभी चालकों और परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने की मांग की है। इस दौरान परिचालक पंकज भटनागर ने कहा कि जब से यह आदेश हुए तब से काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक एके सैनी शासन आदेशों की अवहेलना करते हुए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। साथ ही प्रवासियों को वापस लाने के लिए जाने वाली बसों के चालकों और परिचालकों के लिए खाने की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने पर आरोप लगाया है। वह इस पूरे मामले में सहायक महाप्रबंधक एके सैनी से जब बात की गई तो वे मुख्यालय के आदेशों का हवाला देकर अपना बचाव करते नजर आए। आपको बताते चले कि प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य प्रवासियों को वापस लाने एवं दूसरे राज्यों के उत्तराखंड में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिए राज्यों से वार्ता करने की बात कह रहे हैं तथा उनके आने पर वापस जाने के लिए उचित व्यवस्था की बात कह रहे हैं। उच्च अधिकारियों से यही कहना है कि जो हम 20 लोग 10 गाड़ियां लेके गए थे तो उसके बाद हमारा मेडिकल परीक्षण ढंग से नहीं हो पाया, जबकि संज्ञान में आया है कि जो बिट्टू सिंह चालक और परिचालक इस्लामुद्दीन थे उनकी गाड़ी में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उससे हमारे अंदर दहशत व्याप्त है, तो हमारा भी मेडिकल परीक्षण सही ढंग से होना चाहिए जिससे कि हम हमारे परिवार में हमारे बच्चे भी सही ढंग से रह सके। इसके लिए अधिकारी से कहा है? सर, हमारे अधिकारी जब से शासन आदेश हुए हैं जब से हमारे अधिकारी ना तो यहाँ मौजूद हैं, ना तो खाने की कोई व्यवस्था है, हम सुबह से ड्यूटी पर आए हैं, ना तो खाने पीने की हमारी कोई व्यवस्था है यहाँ पे। कौन अधिकारी है? श्री ए के सैनी। सीमाओं में अभी हमने चंडीगढ़ हमने बसें भेजी, वहाँ से करीब लगभग 4,000 हमने वहाँ के जो उत्तराखंड के नागरिक उत्तराखंड के जो लोग थे उनको पहुँचाने का काम किया। उत्तराखंड में उनको लाए, उनके क्षेत्र में हम पहुँचा, हमने उनको पहुँचाने का काम किया है। अभी हम गुड़गांव में हमने लगातार 3 दिन से हमारी बसें जा रही हैं, लगभग 113 बसें हमने वहाँ पर संचालित की हैं जिससे कि उत्तराखंड के जो लोग वहाँ रह रहे हैं फंसे हुए हैं उनको लाने का काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली से हमें अनुमति मिलेगी, हरियाणा से हमें अनुमति मिलेगी, अन्य राज्य से हमें अनुमति मिलेगी तो वहाँ से भी हम अपने लोगों को लाने का काम करेंगे। क्या योगी सरकार से कोई बातचीत हो पाई है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए? देखिए, हमारे जो नोडल अफसर हैं माननीय मुख्यमंत्री हैं और नोडल अफसर हमने बनाए हैं वो लगातार उन राज्यों के प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है जैसे हमने चंडीगढ़ में हमें परमिशन मिली, हमें गुड़गांव से हमें परमिशन मिली है, अन्य जगहों पर परमिशन मिलने के बाद हम अपने सारे जो हमारे लोग हैं अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने में कोई हिचक नहीं है, उनको लाएंगे और उनके गंतव्य स्थल तक उनके घर तक पहुँचाने का हमारी सरकार काम करेगी। इस मामले में हम गंभीर हैं। उनके चालक परिचालक को हॉस्पिटल भेज दिया है क्वारंटीन के लिए मंडलीय प्रबंधक के आदेशानुसार और नियमानुसार भी, और बाकी अभी कोई गाड़ी ऐसी मांगी नहीं की दोबारा। क्या इन लोगों को अभी कह रहे हैं कि इन्हें बाकायदा ड्यूटी पे बुला लिया गया है फिर से सभी को? ड्यूटी पे बुलाने के मुख्यालय के आदेश है, डेली ड्यूटी पे आएंगे। किस तरह कोई चेकअप इन लोगों का? सर, चेकअप के भी कोई आदेश नहीं हमारे पास।